Hello and welcome to You Are Human, a show attempting to decode human potential and possibilities by bringing you real stories, real heroes. I know it's been quite a few months since I haven't showed up, but believe me, it was just life that happened. I have truly missed this process of having conversations, of sharing them with all of you who religiously tune in to listen to these inspiring stories. Thank you for tuning in. Thank you for your trust in me. And I hope I never have to disappear for this long ever again. So let me not waste any more time and introduce my today's guest. Actually, this episode was shot in Uttarakhand in January 2022. I know it's been quite late, but as they say, better late than never. So here's the conversation with Rakesh Rana. Now, Rakesh Rana is somebody that I heard of from so many people during my stay in Satkol in Uttarakhand. At the age of 22, he got into cycling, mountain biking. And by the age of 24, 25, he actually started pursuing this as a profession. And today, he is inspiring so many more youngsters from Satkol, from Nainital district, to pursue this sport. In fact, his cousin, sister, and brother are national champions. How one person can change the destiny of so many more people around. That's exactly what Rakesh Rana is doing. I absolutely enjoyed every bit of my conversation with him. He is presenting that to all of you. Rakesh Rana ji, kaise hain aaj? Aap badhiya. Aaj aap yahan pe cycle karke aaye hain? Haan, cycle karke aaya hoon. Aapne professionally cycling kab se shuru kari thi? Professionally cycling to maine 2015 se start ki thi, but humne cycling mountain biking chalana 2013 se start kiya tha. Okay, aur wo kaise hua mountain biking? वो माउंटेन बाइकिंग का यहीं पर ही हमारे एक एनजीओ है, कहते हैं आरोही। तो वो आरोही में एक इवेंट हुआ था, रेस हुआ था साइकिल का। तो उसमें हम लोग भी चलाते थे, वो पहाड़ों में साइकिल कभी कभी मिल जाती थी तो चलाते थे साइकिल। तो वहाँ पर रेस थी तो हम लोगों ने कहा हम ही जाते हैं, और हमारे नज़दीक था तो हम गए और वहाँ पर हम लोग जीते साइकिल। तो वहाँ से फिर हम लोगों का साइकिल चलाने का इंटरेस्ट और अच्छा बढ़ गया माउंटेन बाइकिंग का। फिर धीरे 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 फिर और अच्छा लगा। फिर 2015 से फिर मैं प्रोफेशनली माउंटेन साइकिलिंग में आ गया। प्रोफेशनली माउंटेन साइकिलिंग में तो आपने आज तक कितने रेसेस में पार्टिसिपेट किया है, कुछ याद है? याद वैसे तो पूरा याद नहीं है, बट 100 से ऊपर होंगे। 100 से ऊपर होंगे जी। और आपने भारत में कौन से स्टेट्स में गए हैं आप? भारत में मैं ऑलमोस्ट साउथ में पूरा घूम ही रखा है हम लोगों ने, और नॉर्थ ईस्ट में ही पूरा, अपना ये इधर का हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब हाँ जैसे बोल सकते हैं कि मुंबई शहर का वो रह गया थोड़ा बहुत, बट ऑलमोस्ट इंडिया तो आधा से ज्यादा तो मैं साइकिल के थ्रू रेस में पूरा देख लिया मैंने। अच्छा, और बाहर की कंट्रीज में आप कहाँ गए? बाहर की कंट्रीज में मैं अभी फिलहाल नेपाल और भूटान गया हूँ, जिसमें मेरा भूटान का सबसे लंबी रेस होती है टूर ऑफ ड्रैगन करके। वो 268 किलोमीटर की वन डे रेस होती है। तो वो मैंने 2 बार कम्प्लीट की है और टॉप 10 में आया हूँ मैं। अरे वाह, तो क्या वो आज तक की आपकी सबसे लंबी रेस रही है? हाँ, वो मेरी आज तक की सबसे लंबी रेस भी है और वो बहुत टफ रेस भी रही है मेरी आज तक की, क्योंकि 268 किलोमीटर चलाना एक दिन में बहुत टफ हो जाता है। एंड कंडीशन कैसा है उस टाइम में, और जब हम लोगों ने फर्स्ट बार करा था तो वो उस टाइम में बहुत खराब कंडीशन था और भूटान का, मतलब रोड अच्छी हो रही थी, मतलब रोड कट रही थी तो बहुत खराब रोड हो गई थी। आपने कितने घंटों में 268 किलोमीटर कंप्लीट किया? जब फर्स्ट ईयर में जब मेरा फर्स्ट बार का था तो 2016 में मैंने वो करी थी 15.5 घंटे में। एंड फिर मैं गया था 2018 में, फिर मैंने किया था 12.5 घंटे में। अरे वाह, और आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे कैसे होती है? लाइक कोई आपको स्पॉन्सर करता है या आप खुद से ही सब ट्रेनिंग करते हैं? अभी तो हम लोगों को, पहले हमारे स्पॉन्सर थे जब तक, अभी 2019 तक स्पॉन्सरिंग था हमारा, तो अभी तो हम लोग खुद ही कुछ अपना कर रहे हैं जी, और अपना खुद से ट्रेनिंग करते हैं, खुद से ही कर रहे हैं जी। और मैंने ये सुना है कि इस जगह में, सातकोल में,
आप पहले वो व्यक्ति हो जिन्होंने माउंटेन बाइकिंग को इतना सीरियसली लिया और आपको देख देख के अभी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और आपने कहा आपकी खुद की कजिन बहन और कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर वो लोग अभी नेशनल्स के लिए नेशनल चैंपियंस हैं। वाओ, तो आपको कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं कि अरे वाओ राकेश राणा आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी और है आपके ऊपर कि आपके और लोगों को आपको ऐसे इंस्पायर करना है और उनको साइक्लिस्ट के इस प्रोफेशन में लेके जाना है? कभी ऐसा लगता है आपको क्योंकि नहीं आप बहुत कैजुअली करते हो, मैं करता जाऊंगा, कोई करता है नहीं करे ठीक है? नहीं, अभी ऐसा है कि हमको जैसे यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पर ज्यादा कैंपस का स्कोप नहीं है कोई भी मतलब स्पोर्ट्स के लिए, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर ग्राउंड नहीं है एंड कहते हैं टीम की टीम के साथ खेलिए जैसे आप ये तो है, फिर या तो हमको इंडिविजुअल करना पड़ता है जैसे साइकिलिंग हो गया रनिंग हो गया। तो अभी मैं साइकिलिंग में हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ के लड़कों को साइकिलिंग में इंस्पायर किया जाए साइकिलिंग के लिए, और क्योंकि साइकिलिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, अभी इसमें भी अच्छा कैरियर हो रहा है तो इंडिया में भी कहते हैं अभी बहुत अच्छा साइकिलिंग का वो हो रहा है। तो हम लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत मेहनत करके यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं लड़कों को लड़कों और लड़कियों को करने के लिए, बट ये होता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इतना हम लोगों का हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों का जो भी जितने भी बच्चे हैं सब लोग उतने अच्छे घर से नहीं है तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें सब चीज़ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं जितना भी मेरे से हो सकता है, तो भी फिर भी हम लोग दो तीन लड़कों का हम लोगों ने यहाँ से कर रखा है जो कि कहते हैं हम साइकिलिंग कर रहे हैं, और अभी इस साल नेशनल में कुछ अच्छा करेंगे और अभी कर भी रहे हैं अच्छा, बट इस बार हम लोगों का फोकस है कि यहाँ से एक दो नेशनल चैंपियन और होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे कजिन और सिस्टर और ब्रदर तो है ही जी, तो अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहते हैं स्टूडेंट में क्यों जो यंगेस्ट राइडर है ना, तो उनको अभी से बढ़ावा देंगे तो आगे जाके वो कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। जी जी, आपको चैलेंजेस आपने बताया एक फाइनेंशियल इशू होता है क्योंकि सब छोटे घर के हैं, तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है उत्तराखंड में जो आपको बोले कि अच्छा ठीक है हम आपके लिए खड़े होंगे, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं आपको जाके ढूंढना पड़ता है अगर कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो? ऐसा होता है, ये तो फिर हमको ढूंढना ही पड़ता है क्योंकि अब फाइनेंशियल आता है तो हमारा खुद का हो गया, अब ऐसा नहीं है कि कहते हैं सभी लोगों को पता चल रहा है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा कुछ हो गया, तो हम लोगों को खुद ही देखना पड़ता है कि कहते हैं कैसे करना है कुछ अरेंज, अगर जैसे साइकिल का भी अरेंज करना है या कोई इक्विपमेंट का अरेंज करना है या कभी किसी रेस के लिए जाना है तो उसका भी इधर उधर का अरेंज करना है, तो फिर हम लोगों को खुद से ही अरेंज करना होता है। आपने जब पहली रेस जीती थी तो आपको क्या मिला था? सबसे पहली रेस अगर मैं जीती थी बोलूँ तो उसमें मेरा मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं, मतलब अमाउंट के लिए नहीं बात नहीं करूँगा, सबसे बड़ी पहली रेस जो मैंने जीती थी उसमें मुझे एक टी शर्ट मिली थी। हाँ। तो और सबसे बड़ा अमाउंट मैंने जो जीता था वो 50,000 का था। अरे वाह, तो मतलब पैसे का अलग वैल्यू और जो मेरा फर्स्ट वाला था वो अलग था। तो मतलब हाँ ये भी है कि पैसे का भी एक जगह एक टाइम में आके पैसे का भी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट जी, तो उसमें आप अगर आप अपने को कहते हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खर्चों की जरूरत होती है। जी जी, तो क्या अभी आपका ऐसा विजन है कि आपको भी कोचिंग की तरफ मुड़ना है? हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारी एज जो मेरी एज है, मेरी एज थोड़ा सा अभी माउंटेन बाइकिंग के लिए थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गई है, मतलब क्रॉस कंट्री जो एक्चुअल माउंटेन बाइक जो प्योर माउंटेन बाइक होती है तो उसके लिए हमारे मेरी रेस बढ़ चुकी मतलब ज़्यादा हो गई है, तो क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही थोड़ा सा लेट किया, तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम लोग जो अभी यंगेस्ट राइडर है उनको तो कोच कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और हमारे पास इतना पता है हमको कि कहते हैं हम उनको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं जी। तो प्लान हमारा मेरा यही है कि कहते हैं कि हम मैं कोचिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा और साइकिलिंग जो मेरा मैराथन टाइप की साइकिलिंग होगी उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अरे वाह वाह, आपने कौन सी उम्र में साइकिलिंग करना शुरू किया? मैंने स्टार्टिंग बोले तो फर्स्ट जो रेस था हम लोगों का 2000 मतलब मेरी एज थी उसमें 22, तो 22 में हम लोगों ने खाली साइकिलिंग स्टार्ट किया था और 25 से उसको थोड़ा सा
प्रोफेशनल टाइप से लिया था कि हाँ चलो इसमें कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं और हाँ। थोड़ा सा सपोर्ट मिला था तभी कर सकते थे, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो भी हम लोग नहीं कर पाते। जी जी जी। तो आपने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं प्रोफेशनली माउंटेन बाइकिंग करना चाहता हूँ तो वर दे सपोर्टिव, क्योंकि आपकी दुकान है और वो चाहते होंगे कि आप दुकान पर बैठे? नहीं, घर से पूरा अच्छा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि उसी की वजह से आज हम लोग मैं इतना कर रहा हूँ। नहीं तो कहते तुम घर की वजह से, घर में सपोर्ट नहीं होने से नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर वालों को भी लग रहा था कि हाँ अच्छा कर रहा है तो थोड़ा बहुत जीत भी रहा है और ये हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग पहाड़ में है ना, तो पहाड़ में हम लोगों का कहते हम जेनेटिक की हम इतने स्ट्रांग रहते हैं, तो या तो हमारी और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी तो उन लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है? आप कोई भी रेस पे गए हो, ऐसी कौन सी एक चीज़, आई एम श्योर आपके बहुत एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, पर ऐसी कोई एक चीज़ आप बोलो कि अरे वो तो ना हाईलाइट था। अभी जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर रेस होती है MTB की, MTB हिमालय करके, वो हिमाचल में होती है। तो वहाँ पर मतलब कभी भी मैं जाऊँ तो मेरे को बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो होता है ना बहुत मतलब MTB प्योर जो MTB रेस होती है तो उस टाइप का होता है। तो वहाँ पर वो जगह जाने में मतलब वे रेस को करने में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग जगह कर रहे हैं, कुछ अलग सा मतलब हम लोग इंडिया में नहीं है कुछ बाहर जा के हाँ, साइकिलिंग कर रहे हैं हाँ, क्योंकि वो ऐसी रेस है जिसमें कहते हैं कि हम बाहर के राइडर्स भी आते हैं, मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड के राइडर आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रह रहा था। तो वहाँ पर सीखने को बहुत मिलता है, तो वहाँ पर जाके मुझे लगता है कि हाँ ये रेस है, तो कि तस्कम ये जगह में आके हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, मतलब सीखने को मिल रहा है, मतलब खाने को भी मिल रहा है और रेस करने को भी मिल रहा है, तो वो चीज़ है। अपने दोस्त बने काफ़ी सारे इन टूर्नामेंट्स के द्वारा? बहुत सारे जी, मतलब इंडिया में तो बहुत सारे हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जी। और रेसेस जब आप करते हो और आप एक छोटे से गाँव से आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड से, तो कभी आपको कभी ऐसा डिफ्रेंसिएशन कभी लगा या आपके अपने मन का भ्रम कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बाहर के लोग हैं वो कैसे हमें ट्रीट करेंगे, पर क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया या सब बहुत अच्छे थे? ऐसा होता है कि फर्स्ट में जैसे जब स्टार्टिंग में गए थे कहते हैं हमने ये बेंगलोर जब गए थे हम लोगों को कहते हैं जब फर्स्ट रेस में जाने का मौका मिला था, तो हम लोगों को तो हम लोग यहीं ऐसे छोटे मोटे दुकान वकानें देखी थी, बड़े बड़े होटल्स भी नहीं देखे थे, तो वहाँ पर जाके बहुत अलग सा वो मिला था कि यार लोग भी अलग है और हम लोग को ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उन किसे बोलने में भी बहुत वो लगता था कि ये हम बोलेंगे तो इनको अंग्रेजी हिंदी आएगी नहीं आएगी, तो वो भी थोड़ा सा रहता था। बट फिर धीरे 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 वहाँ पर लोग भी ऐसे थे कि कहते हैं वो समझते थे कि हाँ ये कि कहते हैं कि इनको ज़्यादा वो नहीं आता, तो वो हमको कहते हैं कि हम वो नहीं करते थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके, तो ऐसा नहीं लगा कि हम लोग मतलब बहुत बड़े लोगों के साथ साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने ऐसा समझ के हमको कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते थे, तो अच्छा लगता था वहाँ पर जाके, तो तभी से हम लोगों का ये लगा कि हाँ ये साइकिलिंग कम्युनिटी इतनी अच्छी है, तो कि आप इसमें लोग इतने अच्छे हैं, तो तभी मेरा तो मन तभी से स्टार्ट हो गया, वो हो गया था कि कहते हैं हाँ साइकिल कम्युनिटी में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके लिए साइकिलिंग क्या है? अभी तो साइकिलिंग मेरे लिए मेरा पैशन है, मेरे लिए मेरा पूरा लाइफ स्टाइल साइकिल से ही चेंज हुआ है मेरा, जो भी हुआ है अभी तक का, नहीं तो अगर साइकिलिंग नहीं होती तो शायद मैं अभी पता नहीं क्या कर रहा होता, मतलब इस मतलब जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर नहीं होता, मतलब उससे अलग ही अपोजिट साइड में होता। साइकिल ने मेरा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज किया है जी। और जो बच्चे हैं जो साइकिलिंग करना चाहते हैं या कोई और स्पोर्ट करना चाहते हैं जिनके पास शायद वो सारी सुविधाएं ना हो, उनको आपका कहना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी वो एनवायरनमेंट शायद स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन आपने उसको बना के नहीं मुझे ये करना है, तो आगे रास्ता क्या खुद में खुद निकल के आता है? एक बार हम जब सोचते हैं कि मुझे करना है तो रास्ता निकल के आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते सोचते वो आगे कदम नहीं उठा सकते हैं वो सो मेनी रीजन्स। तो जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, साइकिलिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रनिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे इस एरिया में साइकिलिंग का कुछ ऐसा स्कोप ही नहीं था,
मतलब ऐसा बात करें कि हम उत्तराखंड में ही इतना स्कोप नहीं था, तो धीरे 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 करके बढ़ाइए सभी चीज। बट ये है कि कहते हम आपको मेहनत करते रहना चाहिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे। अब ये है कि कहते हम उतार चढ़ाव तो हर जगह होता ही है, बट ये है कि कहते हम आपको जिस लाइन में आप चाह रहे हैं तो उस लाइन में अगर अच्छी मेहनत आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप आगे जाके सफल ही रहेंगे। तो यह है कि कहते हैं, और हम लोग जैसे पहाड़ के हम लोग होते हैं तो हम लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज, मतलब नॉलेज होती है अभी के टाइम में, तो फिर भी नॉलेज हो गई है, पहले क्या था कि ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो पहले भी बहुत दिक्कतें होती थी, बट अब तो थोड़ा सा अच्छा हो गया है क्योंकि अभी आप करते हैं तो स्टार्ट कोई भी अच्छे तरीके से, तो कहते हैं आप अच्छे से कर सकते हैं उसके लिए। जी, अभी आपका आगे का क्या प्लान है? अभी हमारा आगे का ये प्लान है कि हम लोगों को कहते हैं कि हम ये जो यहाँ पर के लोकल्स है, मतलब लोकल्स क्या, एक ये जो हमारा विलेज है सतकोल विलेज है, ये जो हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हमारा यहाँ पर का टाउन है, हम इसको एक साइकिलिंग हब की तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस जगह की कहते हैं हम एक क्या है कि यहाँ से खाली हिमालय दिखता है, एक यहाँ की पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर से कुछ, जैसे एक जगह जैसे हरियाणा में होता है कि रेस्लर होते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर से भी माउंटेन बाइकर निकले, एक माउंटेन बाइकर की कहते हैं कम्युनिटी हो जो कि नेशनल में क्या इंटरनेशनल भी अच्छा करे, पर हमको उसी के लिए वो मेरा सोचे कि उसमें और पहाड़ के जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनका कहते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं और मेंटली भी होते हैं स्ट्रांग और फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, तो उनको बस ये है कि ट्रेन चाहिए, ट्रेनिंग करने वाला चाहिए, तो उनको जितना भी हो सके मैं ट्रेन करूँगा ही करूँगा। तो मेरा ये है कि कहते हैं हम लोग को यहाँ के बच्चों को एक सही दिशा में लेके जाना है और यहाँ का एक जगह का नाम बनाना है कि कहते हैं यहाँ से भी, यहाँ से साइकिलिस्ट, यहाँ का एक साइकिलिस्ट का स्पॉट है, ये साइकिलिंग की साइकिल जो अच्छे राइडर्स हैं यहाँ मिलते हैं, यहाँ रहते हैं, ऐसा टाइप से। वैसे तो अभी है ये जगह बट हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। कितनी अमेजिंग सोच है आपकी, एंड यू हैव द विजन एंड यू हैव द पैशन, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये बहुत दूर नहीं होगा कि जैसे आपने कहा ना कि हरियाणा से रेसलर्स आते हैं, तो डेफिनेटली नैनीताल उत्तराखंड से हमारे साइकिलिस्ट आएंगे देश के। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू। आई ट्रूली होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज कन्वर्सेशन। राकेश राणा इज इनक्रेडिबल, द वर्क ही इज डूइंग इज इनक्रेडिबल। Please, please, please do follow him. Do support the youth, the youngsters who are trying to do something. Because as a community, we have to stand for each other. I hope this conversation has inspired you in any way. I hope to see you in the next one. Until then, remember, our time is limited. Let's make the most of it.